तो अगर प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखोगे तो इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है, तो अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक आदमी है, आदमी इंक्रीज इज काइनेटिक एनर्जी, अगर आदमी काइनेटिक एनर्जी अपनी बढ़ा लेता है, ठीक है ना, कोई आदमी है अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर लेता है, ये आदमी था और ये जो है वो दौड़ रहा था, ठीक है ना, ये दौड़ रहा था, तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली, दैट इज ½ mv², दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसने क्या किया, स्पीड बढ़ा लिया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो जब इसने स्पीड बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी k₁ और स्पीड इसका ½ mv² आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ½ m और v₁ v+2 का होल स्क्वायर बढ़ाया है, और जो नया काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी डबल, मतलब जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है k₂, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, ये भी कंडीशन है, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, और ये जो फर्स्ट है ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में डिवाइड कर दो, तो अगर मैं दोनों में डिवाइड कर दूं यहाँ से तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो इधर मिलेगा 1/2 और इधर मिलेगा, तुम देखोगे यहाँ से ½ mv ½ mv यहाँ से कट गया, तो इधर मिलेगा v² और v+2 का होल का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि n/√2 यहाँ मिला और यहाँ मिला v और यहाँ से v+2, तो यहाँ से √2 v और यहाँ से v+2 आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से तुम देखोगे तो v कॉमन आ गया, √2 v-1 दैट इज 2, तो यहाँ से जो स्पीड उसकी दिखेगी, नई स्पीड वो v/√2 -1, लेकिन हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ ऊपर बचा 2√2 + 1 और नीचे बचा यहाँ √2 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, तो 2√2 + 2 ऊपर बचा, इधर बचा 2 - 1, तो 2√2 + 2 और दिस इज द नीचे 1 बचा, ये इतनी आ जाएगी अपनी आंसर, मतलब बी ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।